सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 17 अगस्त वेडनेसडे के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने वाले हैं। वो कौन से ऐसे लेवल हैं जहां पे आप कॉल एंड पुट की पोजीशंस बना सकते हैं। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप सर्च कीजिएगा ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट, आप वहां से भी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे ओवरऑल मूवमेंट की, तो आप देखिए निफ्टी 50 में क्या हुआ। ओपनिंग में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है लगभग 0.5% की। उसके बाद पूरे दिन एक अपसाइड में रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए अराउंड 17,850 के पास, और डाउनसाइड में मार्क कर लीजिए 17,760 के पास। पूरे दिन इसी रेंज में ट्रेड किया है ना। अब क्या होता है, कभी भी मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप अप एंड गैप डाउन होता है तो चांसेस यही होती हैं कि मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड करेगा मैक्सिमम टाइम। अब देखिए कल क्या है, कल अपसाइड में अगर ब्रेकआउट करेगा, बिकॉज अभी जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो अपसाइड का बना हुआ है, तो हम लोग को बढ़िया रैली अपसाइड में देखने को मिल सकती है। जहां तक फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे लेवल्स की, तो 17,730 के ऊपर हम लोगों को बाइंग करनी थी, बट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी गैप अप ही होता है आपका 17,800 के पास, तो लेवल ही हम लोग को ट्रिगर नहीं हुआ। इसीलिए बोलता हूं कि लाइव मार्केट में अगर आपको अपडेट चाहिए, स्पेशली जब मार्केट गैप अप एंड गैप डाउन होता है, तो टेलीग्राम से आपको हेल्प मिल पाएगी, बिकॉज उसके बाद और कोई जरिया नहीं है आपको बताने का, है ना। अब फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन चेन में, तो 17,800 का लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग तो 17,800 के ऊपर हुई है, बट बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, बिकॉज दो बार इसको टच कर चुका है ना, और यही सबसे बढ़िया चीज़ है हमारे लिए। तो अगर मार्केट कल अपसाइड में क्रॉस करता है, जैसे ही आज के हाई को क्रॉस करेगा एट द लेवल ऑफ 17,850, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, 17,850 के लेवल को 840 मान लीजिए, 840 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा, हम लोग के दो टारगेट्स निकल के आते हैं। पहला टारगेट आप रखेंगे 17,880 के करीब, है ना, और सेकेंड टारगेट आप रखने वाले हैं थोड़ा सा और ऊपर 17,920 का स्विंग हाई, है ना। जब भी पहला टारगेट अचीव होगा, सेकेंड टारगेट जब भी आप लेने जाएंगे, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस आपका छोटा सा स्विंग लो होने वाला है 17,810 का। वहीं पे फ्रेंड्स अगर मार्केट देखिए, स्पेशली अगर निफ्टी 50 एक रेंज में चलता है ना, तो मार्केट जो होता है वो मोमेंटम के लिए तैयार हो जाता है, स्पेशली नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो अगर मार्केट आपका इस रेंज के नीचे क्रॉस करता है एट द लेवल ऑफ 17,800, ये लेवल आप मार्क कर लीजिए 17,800 का नीचे अगर क्रॉस करेगा, तो पहला टारगेट आप रखेंगे 17,780 के करीब, 780 थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 770 आप पहला टारगेट रखेंगे, और सेकंड टारगेट आप रखेंगे गैप डाउन जो फिल करेगा आराम से 17,720 का स्विंग लो। जब भी पहला टारगेट अचीव हो, सेकंड टारगेट के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, स्टॉप लॉस आप रखेंगे 17,830 का एक स्विंग हाई। अभी फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो इस कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल था मार्केट में, हम लोग को इसमें भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और अगर मैं आपको ट्रेड दिखाऊं, तो मैंने सुबह सुबह, मुझे पता था कि आज मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होगा स्टार्टिंग में, और मैंने सुबह ही सुबह कॉल की पोजिशन बनाई थी। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में दो ट्रेड कॉल के थे, और एक पुट वाला मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे जब शूटिंग स्टार बनी थी, मोर ऑफ अ स्पिनिंग टॉप आप बोल सकते हैं। तो ठीक है, ये स्ट्रेटजीज जो भी है मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ लेवल के साथ, तो वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन होता है 39,300 के पास, स्विंग हाई बनाता है 39,450 के पास, फिर उसके बाद एक बढ़िया डाउन साइड की रैली यहाँ पे देखने को मिली है, और मार्केट ने जो क्लोजिंग दिखाई है ना फ्रेंड्स, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे है। और फ्रेंड्स अगर हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाएंगे, तो अगर आप देखेंगे तो 39,500 के पास बहुत बढ़िया कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, 39,400 के पास भी हैं, 300 के पास भी हैं, तो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है आपका बैंक निफ्टी। और अगर आप देखेंगे ना, तो वैसे भी रेजिस्टेंस फेस किया है, 400 पे भी किया, इसने 500 पे भी किया है, तो ठीक है मार्केट अगर क्रॉस करता है इस क्या बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न को, स्पेशली 39,300 के लेवल को, मैं मार्क कर देता हूँ 300 का लेवल, जैसे ही क्रॉस होगा आपको तुरंत बाइंग करनी है, कॉल की पोजीशन बिल्ड कीजिएगा। पहला टारगेट आप रखेंगे 39,400, और सेकेंड टारगेट आप रखेंगे 39,450 का स्विंग लो, लगभग 39,230 के पास आप स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। वहीं पे गाइस अगर मार्केट इस सपोर्ट के लेवल को एट द लेवल ऑफ 39,200 के लेवल को क्रॉस करता है, तो आप क्या करेंगे, आप पुट बाइंग करेंगे, और केवल हम लोग का एक टारगेट आता है, वो है गैप फिलिंग वाला, एंड दैट वन विल बी 39,100, थोड़ा सा ऊपर 39,100 का आपका पहला एंड लास्ट टारगेट रहने वाला है। स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस आप रखेंगे 39,270 का एक स्विंग हाई, ठीक है 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट, बढ़िया है। और फ्रेंड्स अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम होती है, ट्रेडिंग में आपको स्ट्रेटजी नहीं पता है, अगर आपको ट्रेडिंग में
एज नहीं मिलती है, आपके लॉस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे द कोर्स कंप्लीट पोटेटर कोर्स 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं सभी चीज़ें फ्रॉम एब्सोल्युटली बेसिक्स टू एडवांस बताता हूँ और आपको बहुत बढ़िया हेल्प मिलने वाली है। तो ठीक है गाइस, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।